सबल है बैल मने बैसला है, तो यदि हमनी अगर इस सोच से चलब तो कितना हिंसक रहते, और हमनी तो हिंसा नहीं चाहिए, जबकि नारा लगे उठा अखनी के हिंसा नहीं चाहिए, और हिंसा तो अखनी कर रहा है। पारसनाथ के ठीक है लोग में जाना है तीर्थ के नाम पे, लेकिन ओकर से ज्यादा पारसनाथ हाईलाइट में हुए जखन पारसनाथ में आग लगा है। जब गोटे पारसनाथ धुआं धुआं हो जाए तखन सबसे तो पारसनाथ हाईलाइट में हुआ है, और सेव पारसनाथ के ट्रेन चल रहे, तखन कई बार ट्रस्ट के आदमी जाए के पारसनाथ के सेव करल है, कई गो आदमी अपन पसीना बहा ले या जाए के राति हुआ सुतल है या आग जलावे में रोके का काम करल है। यदि वो कहा है कि मैंने अहिंसा के बात कर रहा है, जीव रक्षा के बात कर रहा है, तो आग से तो हजारों जीव जंतु मर जाए, तब तो अखनी कोई तरफ से तो कोई पार्टिसिपेट नहीं भले, तो क्या पार्टिसिपेट कर ले। हमें तो देख ले नरेश अखनी, हमें जब भी आज 4-5 साल जब से हमारा नॉलेज है, नरेश भाई गलो, तर धनेश्वर दा भाई गलो, संदीप बाबू भाई गलो, तो हम तो अखनी की हमेशा देख लियो कर कैंपेन चलाते हुए, अखनी मधुबन मेला समिति के नाम से जा हथिन, पहाड़ चढ़ा हथिन, राति सुता हथिन, और जाके आग के मन में हटवे काम कर है, आग के मन शांत करे के काम कर है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा एक्टिविटी बताओ पिछले 5-10 साल में जो ट्रस्ट के नाम से अखनी मने इस क्षेत्र में कोई विकास के काम कर ले। इस क्षेत्र मूल रूप से तो आदिवासी मूलवासी के क्षेत्र लगे, आज भी अगर अगर विकास के बात करबे तो हम धनबाद और बोकारो अगर दियो जिला के इंक्लूड कर देवे तो शायद पीर टाण और जो हमने जंगल और पहाड़ के बीच जो गाँव गिला सटल है सबसे विकास से दूर है। तो अपने तोने के वहाँ की योजना हो, अगर कोई टाटा BCCLCL कंपनी भी अगर स्थापित हुआ है तो 10 किलोमीटर एगो दायरा ले जहाँ फ्री बिजली, फ्री माने पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे। तो सही तुम एगो ट्रस्ट के माध्यम से आए ली, एगो ट्रस्ट के नाम पे आए ली, एगो स्थापना कर ली, तो जमीन ले ली, तो तोर की योगदान हो यहाँ के विकास में। जबकि सबसे ज्यादा लोग तो हमारा बुझाओ टेम्पू में भराए के धनबाद पीर चढ़ के लोग जा रहे हैं, हमारे माइंड चढ़े के निकलबो थोड़ी टाइम टाइम आ टेम्पू में बुझाए के धनबाद जाते हैं, बड़ा मुश्किल से अखनी मैंने 200-250 रुपया हाजिरी लेके घर पहुंचे है। तोनी का वो ऑटो पसंद ना हो कि तोनी कह रही कि अखनी के हमनी के रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहा है हमनी कारण, तो ठीक हो भाई हमनी के तोनी कारण रोजगार के साधन ना चाहे, तो अपन डब्बा माने खत्म कर, हमनी अपन खेती करके हार जोत के जिया पारवे हमनी कमाई लेबे अर्जित कर लेबे। और आज लड़ाई बहुत ई खातिर संकटमय हो और ई खातिर थोड़ा हमनी के ज्यादा जागरूक है आवश्यकता हो, क्योंकि हमनी की लड़ाई एगो ऐसा सिस्टम से हो जकर सारा तंत्र हो। भारत देश के अगर धर्म के बात करबे तो सबसे ज्यादा हिंदुत्व के संख्या हो लेकिन सबसे ताकतवर जैन हो, 1% ही हो लेकिन सबसे पावरफुल हो, क्योंकि सारा पैसा अपने थी। तो एक से तो एगो प्रश्न आ है कि भाई तुम धर्म लगे कि दुकान लगे, सारा पैसा भारत देश के सारा पैसा, तो जितना अभी हमने उद्योगपति हो और भले वो अपन दिखावटी कोनो धर्म के बात कर दो लेकिन अगर बैकग्राउंड जान के देख सबके संबंध जैन धर्म से, अरे ठीक हो अच्छा बात, ऑटो से हमारा कोई आपत्ति ना हो, तो अरबपति लगे खरबपति लगे तो दुनिया के सबसे रईस आदमी लगे हमारा कोई दुख ना हो और कोई तौर से हमारा जिल्लत भावना ना हो, लेकिन भाई तो हमारा का डिस्टर्ब कर रहा है, आज तो 5 किलोमीटर मांगे है, आज तो चढ़े प्रतिबंध करे हैं, कल जैसे एगो सोशल मीडिया को ठीक है कुछ पल खाते अफवाह समझ लिये, लेकिन चूंकि जैन के पेज से वायरल भेल है, इधर तो कोई दूसरा नहीं डाल है, इटा तो कोई मैंने छोटा मोटा व्यक्ति नहीं डाल है, एगो जैन के मैंने नामी पेज है ओकर से मैंने एगो रेडियस बना के डाल गया है कि गिरिडीह से लेके तोर बगोदर, बगोदर से लेके बैरमो, बैरमो से धनबाद, तोर इतना बड़ा क्षेत्र चाहिए, संभावना भय सकल हो, इटा का अभी अफवाह मान लिये, लेकिन तुम तो आज 5 किलोमीटर में दावा करे हैं, कल 50 किलोमीटर में दावा कर में संभावना क्यों खारिज नहीं कर सकल है, तो भैया हमने कहा जेबे और हमने की ले जेबे। जैनिज्म अगर चाहता है तो भारत से बाहर जाके अपन दुनिया में को देश बना सकल है, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो यहाँ के लोग लगे मैंने संथाल, कुर्मी, तेली, कोयरी, यादव, कमार, कहार, हरिजन की पड़ते यहाँ से बाहर जाके कोई एगो छोटा सा गांव बसा ले क्षमता है, एक भी हमने जो लोग यहाँ रहे है कि हमने क्षमता है कि मैंने पीर टाण के अलावे, डुमरी के अलावे, गिरिडीह के अलावे हमने एगो गाँव बसा सकल नहीं, एगो गाँव नहीं बसा सकल नहीं, जबकि अखनी इतना संपन्न है, अखनी इतना धन संपदा है कि अखनी एगो देश बसा सकल है। तो भाई हम मने जियो और जीने दो में इटा कौन सिद्धांत, या फिर मने ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला तो काम नहीं भाई रहो कि तो लोग कहे के सामने से मीडिया के सामने कहे जियो और जीने दो और पीछू बाट से थोनी हिंसा कर रहे। तो सही खातिर आज जहां तक विषय सामने आ रहा है आज हमनी के मने एगो निर्णायक लड़ाई की ओर हमनी अग्रसित कर ही है, हर जगह, हर जगह है कंडीशन है। झुमरा में भी सुने मैले कि हुआ कुछ दिन बाद कोई कंपनी है, क्योंकि कंपनी का नाम अभी डायरेक्ट नहीं ले, वो जमीन हुआ वो बेसिन का
नजर आए टूटा सारा जमीन एक्वायर करके कंपनी के चल जेते। और हम आज ने हम 3 साल पहले अपन फेसबुक में लिखा रही कि ये जो आप सीआरपीएफ का कैंप लगा रहे ना, ये नक्सलीवाद में इसका पहला उद्देश्य यहाँ पूंजीपति लोग का ट्रैक्टर कैसे चलेगा। जुमरा में भी आज सीआरपीएफ के कैंप स्थापित रहा नक्सली के नियंत्रण बाद में, सबसे पहले अगर कोई गांव वाला विवाद कर है तो ओकरा दबेते है कैसे। आज ओकरे उदाहरण हो पर्वतपुर रो चाहे तोर उधर ढोलकट्टा के आसपास के पीके, क्योंकि चंद मुट्ठी भर आदमी देश में ऐसा हावी है कि ओकनी के ना सीआरपीएफ के समझ में आवे है कि हमें ककरा मार रहा है ना नक्सली के समझ में आवे है। जबकि दियो के बैकग्राउंड हटे लगे दियो मिडिल क्लास फैमिली के लगे, दियो एगो किसान परिवार के लगे, इन सारा चीज यहाँ सिस्टम होता बस चंद मुट्ठी भर आदमी का। और धर्म अगर धर्म के भी बात करें तो हमारा बुझा जैन बहुत सुंदर धर्म है, लेकिन ओकर आड़ में चंद उद्योगपति अपन वर्चस्व बना ले चाहते एगो धार्मिक एंगल दे के। तो सही खातिर आज हमने स्पष्ट है पहाड़ प्राकृतिक स्थान को ने भेव, सीधा सा बात है नदी नाला जंगल झाड़ इलाक ने भेव है। अब यदि तोर आस्था में ठेस पहुंचो तो उटा में हमार दोष की हूँ। अब तो कहे कि नहीं नदी के पानी पूजने लगे उटा से हमें माने अपन जे भी ओकर आस्था ले ओकरा चढ़वा है तो 100 मीटर दूर में क्यों कूला भी कर रहा हो तो हमें की करबो तो रास्ता टके। अब की माने हम पानी पिए छोड़ नदी में हम माने कूला कर छोड़ देबो तो सही नहीं। तो अपन आस्था वैसा कहे रखे भाई, या फिर तोरा जहाँ तोर आस्था के विपरीत जहाँ लॉक हो तहाँ बसना ही नहीं चाहिए, वहां अपन पैसा खर्चा ही नहीं करना चाहिए। यानी इतना में स्पष्ट सही बात हो कि नक्सलवाद पहले अखनी को गुमराह कर लो कि पीरगढ़ को नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगे, वास्तव में अखनी अटल है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जमीन कैसे ले सकल। और आज भी जब कानून में अपनी अपन पक्ष में बनाए के चेष्टा कर रहा है प्रयास कर रहा है, अखनी मकसद अटे है कि यहाँ से ज्यादा जमीन कैसे एक्वायर कर सकलिए और उस जमीन सब में ज्यादा से ज्यादा मैंने होटल अथवा कोठी वगैरह कैसे निर्माण करते ताकि पर्यटन के छोड़ दी मैंने हमनी के अखनी व्यक्तिगत लाभ की पूर्ति कैसे होते। तो जब अखनी 2% लोग ना है यार इतना सक्षम है तो हमरा बुझाए खाली हमने 1 प्रखंड में इतना लोग हैं तो आज हमनी के अपन बाहर आवे कि क्या हमने एक आस्था कह सकल है हमने वजूद के लड़ाई लगू, हमें तोरा कभी अपमान नहीं कर ली। सही बात कर ले दादा मैं कि भाई तोर देता भूता तोर अहिंसा के देख के हमें अपन घारे अपन भूत के नाम से घारे पाठा पठू करने लग लो, वो हमारे पहाड़ में लेकिन नाम से ना घारे काटे लगले कि चल भाई जैन के मैंने आस्था है अपनी बलि नहीं चल है तो हमारे पहाड़ में हमारे देता भूता है लेकिन हम नाम से घारे काटे लगले। अब तो घरों में हमारे डुके लगे तो हमने कहा जीव सही कहते आस्था के नाम में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अरे पहाड़ हमने के बहुत कुछ ज्यादा है कि ना है अकर में कितना जड़ी बूटी पावल जा है ता मने अपन हमने के को दिनचर्या के हिस्सा लगे पारस्परिक पहाड़। तो सही खातिर आज पहाड़ हमने के बहुत कुछ दे लो, अब ओकरा हमने अपन की दे ही ईटा हमने के तय करना हो एक देख ले पहाड़ के है बचाए के राख सकल है जब वास्तव में ओकर रक्षक लगे। पूंजीपति वास्तव में कभी रक्षक नहीं रहा है ओखनी तो बल्कि चाह है कि कैसे हमने ज्यादा से ज्यादा पत्थर कटेबे ज्यादा से ज्यादा गाछ कटेबे और वहाँ अपन बड़ा बड़ा हमें महल खड़ा करबे। तो जब पहाड़ हमने के अब तक इतना कुछ दल है हमने मने को पीटा के रूप में काम कर ले जब जरूरत भले हमने पहाड़ चढ़ गली और अपन जरूरत के सामान लेके उतर गली तो आज हमने को दायित्व हो और साथ खड़ा होना। और इखनी जो कहे कि मने पारसनाथ के बचाओ समय जी शिखर के बचाओ तो भाई ककर से बचे बचाना ककर से हो हमने की नुकसान करे हमने ना बचाए के रखा लिए नुकसान तो नहीं करना आग तो नहीं लगाए रहा बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट कह रहा है कि आग लगे के पहले को कारण रहा है कि लोग कुछ मने आरू टाइप के पावल जा है तो बांस के झूड़ हल तुगला के साफ करे खातिर लगाए जा है। तो उठा तो गांव में जब कंपेन चल रही कि ना एक्शन ना कर तो उठा गांव वाला बंद कर दल है। अब दूसरा सामने आए कि ना प्रशासन के लोग आग लगाए रहा है खातिर कि मैंने नक्सल यहाँ शरण पाव है। अब तीसरा कारण है कि उद्योगपति के कहने पर ही आग लगा है ताकि उगला यदि सफाया हो जाए जंगल तो किसी प्रकार मने अखनी एनओसी लेके या किसी प्रकार अपन फोर्स के दबाव में उगला में अपन महल खड़ा कर सकल। तो भाई अगर यहाँ हिंसा केवल किसी इंसान के मारे ले हिंसा ना भेवा तो इंसान के मने ओकर भविष्य तक मार रहा नहीं सीएनटी के कानून है तो नहीं उल्लंघन कर रहा नहीं सीएनटी कानून के माए बाप नहीं रह गए ये एगो बुधनी देवी प्रधानमंत्री आवास बनाई लो फॉरेस्ट लेके तोड़ के मर्दानगी दिखाई दिलो। अरे ओकर में तो सबसे पहले मैंने कलेक्टर से लेके वीडियो सीओ तक सवाल खड़ा रहते कि यदि ये जमीन फॉरेस्ट के प्लान के तहत आता है तो फिर वहां प्रधानमंत्री आवास अलॉटमेंट हुआ किसे।
तो सवाल करतो के ताकि हमनी खातिर हो के बस हमनी खातिर हमनी एकजुटता हो हमनी आक्रमकता हो और हटे हमनी खातिर हो और हमें कतना कतना अवैध रूप से कतना कतना कोठी बनल है कतना कतना महल बनल है ओकरा तोड़े वाला तो छड़ नजर उठा के देखे वाला तक क्यों ना है की तक गलत रहे हमने आले नाल पिला जे बुद्धि ने घर बात दुगो तोड़ देले पीएम आवास हमने जे पार लिया अपन कुछ चन्ना अभी कनेक्शन करके आन लिए तो बताओ यदि पीएम आवास ते तोड़ नहीं तो पीएम आवास में बनले कैसे सबसे बड़ा मजाक के विषय सरकार के लोग मजाक के विषय की तुम अलॉटमेंट कर ली कैसे उसे खातिर आज सीधा सा बात है आज हमने निर्णायक लड़ाई में आई गए हैं और कि भाई आज परासनाथ के नाम में गंदी राजनीति बंद हो हम तोर सम्मान कर रहे हो जन्मदिन तोर विशेष दिन रहते हो ठीक है पैदल चढ़क बात है ले मैंने कुछ ऐसा सामान लिए ना बात है ले उड़ा तोर जनता विशेष दिन लग तोर जे अपन ओकर धर्म के अनुसार वो दिन तो इंगला प्रतिबंध रख सकल बाकी जे सदैव पहाड़ चढ़ो हो भैया वो तो खाली वहाँ चढ़ नहीं सकल लो पहाड़ चढ़ते रोक नहीं सकल है क्या हमारे जीवन और दिनचर्या के हिस्सा लगे तो बाकी तोर जे आस्था लग उठा के हमने एगो विशेष दिन रहते उड़ा दिन सम्मान करबो तो वही हमने सम्मान कर हम तोर सम्मान कर ले बदले में तो हमारे सम्मान कर बाकी अगर आस्था के बात है तो आस्था तो हमने को रहो हमने को भी आस्था हाथ में होना चाहिए और हम तो तोर से पहले से हो हम तोर से पहले से हो जब जैन धर्म के उदय नए भेलो बुद्ध धर्म के उदय नए भेलो तब से हमने कृषि सभ्यता हो तब से हमने शिकारी सभ्यता हो तो हम ही एगो मैंने ठिकाले रखा लियो कि तोरा सम्मान करबो तो हमारे सम्मान करबी कि नहीं करबी प्लस तो यहाँ नहीं बाबा जी भी कहीं से आए के बैठल हो तो बताओ हमने कहाँ लग लियो बताओ वही बता दे कि हमने कहाँ लग लिया ज्यादा तो हमने बनारस से आये यहाँ ते मोक्ष प्राप्ति कर ले अटुक सम्मान कर ऑटो तो रास्ता के ऑटो सम्मान करियो लेकिन अब इटा मतलब ना है कि तो आस्था के नाम में इतना बड़ा कर्मण कर भी जनता हमने के आने वाला नस्ल और फसल सब खत्म हो जाते हमने पहचान खत्म हो जाते हमने अभिमान हमने गौरव खत्म हो जाते इतना दिन तो सुना ली कि टाटा के नाम पे कहीं बीसीसीएल के नाम में कभी इसी जल के नाम पे जमीन लिया ले अब तो मैंने धर्म के एगो हथियार बनाए के अपनी हमने जमीन लिए प्रयास कर रहा तो भाई बहुत भय गए आंदोलन के धरती लागल इटा अब नहीं कहिया कि अभी लागे जब हमने इटा सफल भय जब तब कहे कि हाँ लागे आज इटा इतिहास है कि पीरटन हमेशा आंदोलन के धरती रहा अब आज वह इतिहास बरकरार